तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल जो है मैं यहाँ पे कुछ नए नए जो गेम्स हैं वो ट्राई करने में लगा हूँ। जैसा कि लास्ट टाइम हमने खेला था एक एलियन वाला गेम जिसका नाम था द विजिटर, बट आज जो गेम खेलने वाले हैं हम इसका नाम है यहाँ पे लिटिल नाइटमेयर्स। और आप सभी को तो थंबनेल देखकर पता चल ही चुका होगा कि गेम का नाम आखिर में क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस गेम के बारे में। अगर मैं आपको दे दूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लिटिल नाइटमेयर्स है ना, ये एक हॉरर गेम है। आप कह सकते हैं ग्रैनी जैसा तो नहीं है क्योंकि जो ग्रैनी है वो हमारे पीछे पड़ जाती है, लेकिन शायद से इस गेम में हमारे पीछे कोई भी नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ पे डरावना गेम तो जरूर है और इसमें हमें एस्केप करना होता है शायद से किसी जगह से। तो आज ना हम इस लिटिल नाइटमेयर्स के गेम में एस्केप करने वाले हैं, तो फटाफट इस गेम को यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दिल से वीडियो लाइक तो जरूर से कर दीजिए। चलो फटाफट इस गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है लिटिल नाइटमेयर का गेम और यहाँ पर ना हमारा जो कैरेक्टर होता है ना वो एकदम छोटा सा होता है, जिसके हाथ में ये जो कैंडल है ना ये अभी आपको दिख रही है। और शायद ना हमें इस गेट के अंदर जाना है, पता नहीं बाहर जाना है, कुछ पता नहीं है। तो फटाफट इस गेम को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, तो जो गेम है वो तो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मेरे हिसाब से जैसे कि रेसिडेंट एविल 8 विलेज में जो कहानी चलती थी ना, ये मेरे हिसाब से उसी टाइप की जो कहानी है वो यहाँ पे चल रही है। लेकिन सामने की तरफ ना यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और ये मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन जहाँ तक मुझे कपड़ों से समझ आ रहा है ये कोई आंटी जी हैं और इन आंटी के पास यहाँ पर चेहरा तो इनका ना किसी मूवीज में होता है ना, जो क्या नाम होता है उसका, जो जापान की जो मूवीज होती हैं उनमें, मतलब उसी जैसा जो आंटी जी का है वो चेहरा लग रहा था मुझे। खैर यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है छोटा सा और मुझे नहीं पता है कि मैं आखिर में किधर हूँ, लेकिन जहाँ पर भी हूँ यहाँ पर मेरे हिसाब से किसी स्लम वगैरह में हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं सूखने के लिए और जूते वगैरह भी लटके हुए हैं। और यहाँ पर अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो एक सेकेंड, मैं इस बैग के अंदर से निकला क्या, मतलब कोई मुझे बैग के अंदर लेके आया था? नहीं, मेरे हिसाब से ये मेरा घर है और सामने की तरफ मैंने कुछ लोग यहाँ पे फोटो वगैरह लगाई हुई हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो आगे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे की तरफ तो कुछ है ही नहीं। और ओके, तो रास्ता जो है यहाँ पर है, ये एक टाइप से कह सकते हैं एक टाइप से 2D गेम है ना, FPP है ना, वैसा वाला गेम है, लेकिन ग्राफिक्स से समझ आ रहा है कि थोड़ा सा अजीब सा गेम है और ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्ट्रे वाला गेम खेल रहा हूँ, यानी कि कोई बिल्ली वाला गेम, क्योंकि बिल्ली वाले गेम में भी ना ऐसा ही कुछ होता था। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ है कि मुझे पता नहीं है इसको। ओके, तो मेरे पास ये मोमबत्ती नहीं है, मेरे पास ये लाइटर है। हाँ, लाइटर तो मेरे पास है और ये पता नहीं यहाँ पर शायद से मुझे कुछ लग रहा है जलाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको जला दिया है तो मुझे पता चल चुका है कि मैं किसी नीचे, काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाइप वगैरह हैं, तो पाइप वगैरह आपको पता ही यहाँ पर नीचे की तरफ ही होते हैं। और यहाँ पर मैं जंप भी कर सकता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ लाइट को, क्योंकि मैंने वो तो लाइटिंग जो है वो जला दिया है। और मैं इसको ओके, तो मैं इसको खोल सकता हूँ। चलो अभी मैं इसके नीचे कैसे जाऊँगा, बैठ कर ही जाना पड़ेगा। ओके चलो एक सेकेंड, मोमबत्ती जला लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, मतलब लाइटर अपना मोमबत्ती तो पीछे की तरफ थी। ये पानी वगैरह टिप 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 कर रहा है इधर, मुझे इस टनल से निकलना पड़ेगा सबसे पहले तो। ऑल राइट, अबे गीला नहीं होना, अभी मेरा शिट मेरा लाइटर ना बुझा है यार, अबे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना, लेकिन चलेगा कोई। ओ भाई ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ चुका हूँ अभी। ओके, सामने तरफ रास्ता है और यहाँ पर भी गेट है, इस गेट को खोल सकता हूँ। ये गेट मुझसे नहीं खुलने वाला, तो मेरे हिसाब से मुझे ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा। और मोमबत्ती को मैं इस लाइटर को बंद कर लेता हूँ, नहीं तो बारिश हो रही है और मैं बाहर की तरफ हूँ, बंद ना हो जाए। और ये ना, ये ऐसे ही तो मुझे गेम के स्टार्टिंग में दिखा था, मतलब चेन वगैरह थी और एक रास्ता था, ऊपर की तरफ एक गेट था, लेकिन वो जो गेट है वो मुझे लग नहीं रहा है कि ये वाला गेट है। तो फिलहाल मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओ भाई, ये कौन है, ये डॉल वॉल है, क्या सीन है इसका? हेलो, ओ भाई ये, हाँ ये तो वही आंटी जी हैं, उनकी उन्हीं की डॉल लग रही है मुझे, कि उन्होंने भी ऐसी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी जो जापान में लोग पहनते हैं। ओ यहाँ पे गिरा पड़ा है, वाह। चलो मैं किसी कमरे में हूँ किसी के, और आंटी जी यहाँ, इसमें से मुझे कुछ दिखा ना। ओ इसके पीछे कुछ है, इस गेट के पीछे मुझे इसके आंख में से कुछ दिखा, जो लेंस लगा ना इसमें से कुछ है। अभी मैं फिर से जाऊंगा पीछे, देखना अभी नहीं, अभी तो नहीं है कोई भी। अरे मैंने देखा था, कह
खैर अभी वो दोबारा तो नहीं आएंगी, जो भी होगा ठीक है, मुझे इसके ऊपर चढ़ना है क्योंकि गेट जो है आगे की तरफ है। चलो ओके, मुझे ग्रैब करना है ठीक है, तो स्पेस और ओके, तो मैं अभी नीचे की तरफ आ चुका हूँ। और ऊपर की तरफ कोई लटका है, ये अंकल जी लटके हैं ज़रूर, उन्होंने आंटी ने मार दिया होगा इनको, जिनकी डॉल मिली थी मुझे, लेकिन उन्होंने क्या लटक क्यों गया ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इनको लटकाया गया नहीं, इनको लटकाया नहीं गया होगा, इनको ज़रूर ये लटके होंगे क्योंकि यहाँ पर एक चिट्ठी भी पड़ी हुई है, शायद से ये ना मरने से पहले चिट्ठी मतलब लिख के रख गए होंगे। और यहाँ पे आगे की तरफ गेट है, बट मैं इसको खोल नहीं पाऊँगा क्या, मुझे लग रहा है शायद इसको ग्रैब करना पड़ेगा। नहीं ग्रैब नहीं होगा, तो हो सकता है मैं इस कुर्सी को यूज़ कर सकूँ, इनकी चिट्ठी तो मैं पढ़ भी नहीं सकता। चलो 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 चलो, अबे ग्रैब कर, घुमा कुर्सी को, कुर्सी बहुत भारी है लेकिन मेरे हाथ में भी बहुत ताकत है। ऑल राइट, तो मैंने फाइनली दरवाज़ा खोल लिया है। अभी एक सेकेंड मैं टॉर्च चालू कर लूँ क्योंकि मुझे क्या लग रहा है नीचे की तरफ कुछ गिरा पड़ा है। ये बाहर की कोई पंखड़ी वगैरह घूम रही है, कोई विंड मिल टाइप की लग रही है मुझे। ओके, तो यहाँ पे किसी डॉग के नहीं ही किसी की बंदे के हाथ है, इसको मैं खोल सकता हूँ। और ओके, तो ये फ्रिज, ये टोपी टोपी थी क्या, ये भागी अभी और टोपी उसके अंदर जाके चली गई। मुझे ऊपर की साइड जाना लग रहा है मुझे, अबे चलना ऊपर ठीक है हाँ, बट मुझे ग्रैब करते करते जाना पड़ेगा। ओ मकड़ी इधर, भागो 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 भागो। एक्चुअली मैं ना अभी बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, मतलब मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए मकड़ी से भी डर लगना तो नॉर्मल है। यू पर, ए यू पर की तरफ से क्या गिर क्या रहा है ये, पता नहीं क्या था। मैं भाग सकता हूँ ना, हाँ भाग तो सकता हूँ, जल्दी जल्दी कवर करता हूँ मैं। ओ भाई ये कुछ गिर रहा है ऊपर से बार 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 बार। ओ मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ जंप करने के लिए, ठीक है ये मेरे ऐसा बैग आ गया है। और यहाँ पर कहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मुझे क्या लग रहा है मैं। ओ भाई ये क्या है, ये मेरे, ओ एक सेकंड, ये लीवर है क्या। अबे जंप कर, जंप क्यों नहीं कर रहा। ओ भाई चलो, ये लीवर से मैंने गेट तो खोल दिया है, खुल गया। भागो 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 उससे, भागो उससे भागो। ये मुझे लग रहा है लीच होती, ये ना लीच टाइप का कुछ है जो कि मुझसे अगर चिपक गया ना तो मेरा सारा खून चूस लेगा, मुझे इनसे बच के रहना है यहाँ पे। मतलब कि इसमें कोई आंटी जी वगैरह तो मुझे अभी तक दिखाई नहीं। ओ ये लीवर, अच्छा ये लीवर तो उस वाले के लिए काम नहीं, मेरे हिसाब से किसी ने जानबूझ के बंद किया है, इसको मैं निकाल सकता हूँ। बढ़िया, मतलब मेरे में ना ताकत तो है, इतना तो पता चल चुका है मुझे। और आगे जाया जाए तो यहाँ पर पता नहीं अभी ये कौन सी, ओ ये टोपी, ये तो मेरे ऐसे कैरेक्टर था छोटे छोटे भाई। ओ ये क्या रहा, ये नाटक क्या। ओ भाई मुझे शायद उस लीच ने पकड़ लिया, और लीच टिक के पकड़ने के चक्कर में मैं मारा गया। इस बार क्या करूँगा, मैं अपनी टॉर्च चालू करके जाऊँगा भाड़ में जाए, टॉर्च चालू करो। ओ भाई काफ़ी सारी ली, ओ मैं तो, अबे इतनी सारी, अबे अबे पकड़ लिया उसने मुझे। मतलब अगर मैं टॉर्च चालू नहीं भी करूँगा ना तो भी वो मुझे पकड़ लेंगे, और टॉर्च चालू करूँगा तो भी वो मुझे पकड़ लेंगे। तो फटाफट से ना यहाँ से निकलने का सबसे पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन है हो रहा है ये अभी। भागो 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 भागो, जाना मुझे सामने की तरफ ही लग रहा है मुझे, खुल जाओ। ओके फाइनली बच गया मैं, अब ही ना गिर जाए यार। ओ बच गया, अभी किधर जाना है, इस साइड में तो कुछ रास्ता मुझे लग नहीं रहा, मतलब ऊपर की तरफ ही जाना होगा। चलो अबे, और यहाँ पे हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा तेज तेज। ओ भाई ये टोपी वाले डरा देते हैं सच में, यहाँ से आराम से निकलना पड़ेगा। बच गया ठीक है, यहाँ से ऊपर। ये तो अभी मुझे ना हेलो नेबर की याद आ रही है थोड़ी थोड़ी, हेलो नेबर में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि उसमें भी ऐसे ऊपर की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन अबे यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जंप करना पड़ेगा, जंप बिल्कुल संभाल के करना पड़ेगा। मेरे पैर में चप्पल ही नहीं है, ओ भाई चप्पल ही नहीं मेरे पैर में, मतलब बिना चप्पलों के मैं घूम रहा हूँ। भाई चप्पल तो दे देते यार कम से कम, इतनी ज़्यादा बेइज्जती भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूँ, बस मैं चलता जा रहा हूँ।
ये कौन सी जगह है, क्या है, कुछ पता नहीं है। एक सेकेंड, ये शायद से कोई लीवर है। हाँ, इससे कोई गेट खोल सकता है, पता नहीं कहाँ का गेट। वो सामने का ही तो गेट खुला है, खुल गया। अगर मैं तो छोड़ दूंगा तो ये बंद ना हो जाए। ओ भाई, भाई बंद हो रहा है तो। अबे मारा गया। मतलब कि ना यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अपनी ताकत, मतलब थोड़ा सा स्पीड दिखानी पड़ेगी। चलो इस पर इसको पकड़ो, इसको खींचो फटाफट फटाफट से, और खींचने के बाद ना मुझे स्पीड में एकदम भागते भागते जंप करना पड़ेगा। खुल जा खुल जा, खुल गया। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ना, चलो 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 चलो, फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं एक ऐसे कमरे में जहाँ पर कि रास्ता ही बंद है सारे, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है ना ये बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। इसको मैं खोल सकता हूँ। ओ भाई ये, अभी तू बता ये है कौन, तू जल्दी आ। इसके नीचे चला गया ये तो, मैं भी जाता हूँ इसके पीछे पीछे। अगर मैं इनको अपना दोस्त बना लूँ ना तो बात बन सकती है, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। पहली फुर्सत में निकल लो। ये भाई तो, ओ ये कौन है ऊपर, ये पिंजरा लेके जा रहा है। और यहाँ पर किसी ने मेरे लिए ये डाला हुआ है, साड़ी को बांध के मुझे डाल दिया, मतलब साड़ी नहीं कह सकते, कपड़ा कह सकते हैं। कपड़े में घटान लगा के काफ़ी सारी डोरी डाल दी है, रस्सी टाइप की, जिससे कि मैं चढ़ सकूँ। चलो मैं यहाँ तो ऊपर की तरफ तो आ चुका हूँ, लेकिन जाऊँ किधर अभी, इसको पकड़ सकता हूँ मैं। ओके मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, ठीक है। मैं किसी के वॉशरूम में आ चुका हूँ, जहाँ आना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। खैर यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी नहीं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक सेकंड, यहाँ पर इसमें लाइट चालू है, और यहाँ पे इसका बॉक्स इधर पे है, और इसका वायर किधर से आ रहा है ये मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। टॉर्च चालू करके देखूँ तो यहाँ पर कुछ है क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसे ऐसे जो है आगे की तरफ जाना पड़ेगा। चलो, ओ भाई यहाँ पे चूहा भी है। अबे मैं इनकी पट नहीं चढ़ सकता, और अगर मैं इस, नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसके आर पार निकलूंगा तो दिक्कत है, मारा जाऊंगा। एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, बिजली का झटका लगेगा मुझे, मुझे पता था। और पूरी मेरा जो खून है वो चूस लिया इस करंट ने। लेकिन यहाँ पे ट्राई करते रहने वालों की हार नहीं होती, तो अभी मैं फिर से ट्राई करने वाला हूँ। इस बार तो मुझे कुछ ना कुछ करके उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मुझे एक सेकंड, मैं यहाँ पर अगर चढ़ूँ, मैं यहाँ पर चढ़ूँ उसके बाद यहाँ पर चढ़ूँ, हाँ चढ़ गया ना, मुझे ऐसे ही कुछ दिमाग लगाना था। अभी यहाँ पर एक बॉल भी आ रखी है, अभी मैं इसको क्या करूँ। अबे कुछ हो तो हो जा, इसके ऊपर मैं पहुँच ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर भी नहीं, लेकिन मैं इसको उठा के इसमें मार सकता हूँ क्या। समझ गया मैं समझ गया मुझे क्या करना है। इनको ऐसे रख दो। ओके ये क्या सीन है। अबे इस गेट के पीछे भी कुछ है, मैं भी ना, इस गेट के पीछे कुछ तो है लेकिन मुझे क्या पता है, लेकिन है क्या। किस इस गेट को लगा दो, लगा सकता हूँ मैं, बढ़िया। ये है लीवर इसका, वही मैं सोच रहा था। अब इसको ना मुझे इसका मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको उठा के मुझे यहाँ पर रखने पड़ेंगे इनको। अबे रख जा, फेंकना नहीं है। इस पर चढ़ के शायद से मैं ऊपर की तरफ जंप कर सकता हूँ। अबे यार मैं भी ना पागल हूँ, मुझे एक एक लेके आने की जरूरत है। मैं स्पीड को खिसकाता हूँ ना सीधा सीधा, फंडे ख़त्म। ये लो ये यहाँ पर आ चुका है। अभी इसके ऊपर चढ़कर मैं इसको पकड़ सकता हूँ, और इसको मैंने बंद कर दिया है, मतलब कि कहीं पर भी। अबे भाग, नहीं तो लाइट ना आ जाए, क्योंकि टिक 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 चल रहा है उसमें। चलो मैं चालू करता हूँ अपनी लाइट। ये गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो मुझे लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा हो ना ये गेम तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ये किसी खिलौने का रूम लग रहा है, सी सौ। ओ भाई हाँ, ये किसी बच्चे का रूम है, ये क्या सीन है। अबे यार अभी मुझे इसके अंदर से निकलना पड़ेगा, तो मुझे फिर से वहाँ जाना पड़ेगा क्या। कोई दिक्कत नहीं है, वापस से जाके उसको बंद कर देता हूँ और फटाफट से निकल लेता हूँ। अबे लेकिन मैं अब तो निकल ही नहीं सकता, गजब। अब तो मैं निकल नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर फिर से जो लाइट है वो आ चुकी है। गलत हो गया मेरे साथ, मतलब अभी एक ही चक्कर रह गया कि मैं फिर से मर जाऊँ और उसके बाद ही कुछ होगा। अब मुझे मरना ही पड़ेगा। चलो भैया मर जाओ। ओ लग गई आग।
लेकिन इसके बाद वाला जो किट है वो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक शॉक, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। और राइट, तो यहाँ पे मैंने जो लाइट है वो बंद कर दिया, मुझे फटाफट से भागना पड़ेगा यहाँ से फटाफट से, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी आगे चल के कितने सारे गेट है यहाँ पे, इसलिए बस भागो 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 लाइट से पहले, भागो भागो, गिरना नहीं है गिरना नहीं है, भागो 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 भागो, बस इसको मैं पार कर लूँ। हो गया पार, हो जा पार, हो जा हो जा हो जा, बस एक और गेट है, ठीक है ओके। फाइनली मैंने उसको एस्केप कर लिया है। अभी यहाँ पर तीन तीन गेट है, पता नहीं तीन तीन गेट क्यों है यहाँ पे, मुझे पता नहीं मैं किसी को खोल भी सकता हूँ या फिर नहीं खोल सकता। और इस गेम का नाम ना लिटिल नाइटमेयर क्यों है ये मुझे समझ नहीं आया, या तो लिटिल, तो मुझे पता चल गया कि लिटिल यहाँ पे मैं हूँ, तो लिटिल का मतलब तो मुझसे रिलेटेड होगा, लेकिन नाइटमेयर का मतलब ये है कि मतलब मेरा सपना। ओ भाई ये क्या सीन था, ये क्या है भाई, कोई सेंसर है क्या ये, मुझे कुछ लगता है ऐसी रहा है कि, ओ भाई बाओ मरवा दिया, मतलब कि मुझे इससे भी बचना पड़ेगा। ये पता नहीं कोई सेंसर है जिसकी लाइट में अगर मैं आ गया तो वो मुझे ऐसी आवाज़ सुनाएगा जिससे कि मेरा काम तमाम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मुझे एक बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा, चलो दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, ठीक है ये अभी यहाँ पर दिख रही है, अगर ठीक है समझ गया मैं, अगर ये जैसी वहाँ देखे तो मुझे मतलब तीन बार ये मैं देख रही है, सेंटर लेफ्ट और राइट, तो जैसे ही राइट में जाएगी ना उसके बाद मुझे यहाँ पे भागना पड़ेगा। चलो समझ में मुझे आ गया, भागो 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 भागो, बच गया मैं बच गया, अभी ये मुझे पकड़ नहीं पाएगी, भागो 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 भागो। चलो मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ, अपनी लाइटें चालू। ओ भाई इसके अंदर कोई बंद है क्या, नहीं बंद नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कोई ना कोई है, तो मुझे अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। चलो लेकिन मैं जाऊँगा कैसे, मुझे जंप तो करना पड़ेगा क्या, चलो ओके हाँ मैं इसके ऊपर चढ़ के जा सकता हूँ। इसी मुझे क्या लग रहा है मेरा जो कैरेक्टर है ना वो एक लड़की है, क्योंकि शायद से मुझे उसके बाल दिखे थे अपने कैरेक्टर के। ठीक है मैं यहाँ तो आ चुका हूँ, नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है, शायद से मुझे ऊपर की तरफ से जाना है इस गेट के अंदर। अबे चला जा, कोई नहीं उस गेट में, चल। ओ भाई ये कौन है, गजब है ये कौन है, अरे ओ भाई भागो 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 भागो, मुझे इससे भागना है शायद से, भागो वे भागो, क्या क्या कर क्या रहा हूं मैं, भागो 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 भागो, अबे इसने तो पकड़ लिया मुझे, अभी मुझे खा जाएगा ये, पता नहीं कौन है लेकिन मैं समझ गया ये ना इस गेम का विलन है, मैं समझ चुका हूं। जैसे जैसे मैं इस गेम में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, उसका जो लेवल है डिफिकल्टी लेवल वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे कैसे बचूं यार, मैं इस गेट को खोल के जा सकता हूँ बाहर, मुझे कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा नहीं तो मैं इससे बचूंगा कैसे। ये अजीब तरीके का एक मॉन्स्टर लग रहा है मुझे, कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके का मॉन्स्टर है। अबे भाग जा, ओ भाई समझ गया मैं समझ गया भाई, मैं सोच रही इसमें तो रास्ता ही नहीं आगे यार। अच्छा वो मैं वहाँ रुक गया था जिससे कि मैंने उसको देख लिया। चलो अभी मुझे इसके अंदर से निकलना पड़ेगा, ये पता नहीं मुझे कहाँ लेके जाएगा, लेकिन चलो एक टनल के अंदर लाइट चालू कर लेता हूँ मैं एक फुर्सत में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो जाली है ना यही टूट जाए और मैं फटाक से नीचे के आगे गिरूं, जैसे कि पहले हुआ था, वो जो क्या कहते हैं उनको जो कि चिपक जाती है, क्या नाम है यार उनका मैं भूल गया, अगर आपको बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये यहाँ पे क्या हो गया भाई, पेट में दर्द हो गया क्या, मुझे ऐसा को लग रहा है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो बीमार है, क्योंकि अभी पेट पे हाथ रख के चल रहा है। ओ भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, ये मर क्यों रही है, ये मुझे लग रहा है मर रही है ये, या मर रहा है मर रही है कुछ पता नहीं है। ओ भाई ये नौटंकी क्या है अंदर की तरफ, एक सेकेंड
अंदर की तरफ ही काफी लोग बैठे हुए हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं। ओ भाई ये हो क्या रहा? ओ भाई ओ भू ओ, इसने कुछ दे दिया है मुझे खाने के लिए। चलो हाँ, मुझे भूख लग रही थी भाई, मुझे सोचूं पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो भूख के चक्कर में हो रहा है। मुझे लगा कुछ और चक्कर है, कोई वायरस वगैरह तो नहीं फैल गया यहाँ पे। कितना खाएगा? उठ जा, खा लिया उसने पूरा, ख़त्म ही कर लिया। चलो थोड़ी सी पावर मिल गई भाई, इसने अपना खाना दे दिया मुझे, थैंक यू यार। ओ चढ़ जा, ओ यहाँ छोटा सा रास्ता है। वाह, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे कैदी लोग हैं और यहाँ पर भी एक रस्सी का फंदा है। अच्छा है कि यहाँ पर वो अंकल नहीं है जो कि हमें पहले मिले थे, जो कि चिट्ठी छोड़ गए थे। भागो भागो भागो, ये मैं पता नहीं किधर आ गया, बट ये एक नया गेट है। ऑल राइट, तो फाइनली मैं एक अजीब सी ओ यहाँ पर भी वो लाइट वाला चक्कर है। समझ रहा हूँ मैं, अभी लाइट वाला चक्कर है यहाँ पे, लेकिन अभी उसका पावर प्लग किधर है? पावर प्लग तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। एक सेकंड, इसकी जो डोरी है ना वो ऊपर के साइड जा रही है, और एक इसकी जो डोरी है वो अंदर के साइड जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको उठाऊंगा या खिसकाऊंगा इसको तो शायद बात बन सकती है। एक बार ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है जो बात है वो ऐसे बनेगी। समझ गया, मुझे क्या करना है, समझ गया मुझे क्या करना है। एक्चुअली मुझे इसके ऊपर चढ़ना है, और इसको चढ़ने के बाद मुझे सामने की तरफ जंप लगाना है कुछ। अबे आराम से, नीचे की तरफ गया मैं, और मैं फिर से वहीं पर आ गया। यहाँ पर कहीं प्लग वगैरह होना चाहिए, लेकिन वो जो प्लग है वो मुझे दिखाई यहाँ पे दे नहीं रहा है। मतलब कि जो माजरा है ना वो यही कुछ है, और यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। मतलब इसको भी मैं खिसका के आगे की तरफ लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे ना यहाँ से आगे की तरफ जाना चाहिए लिटिल नाइट में उसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो अगर आपको जो एपिसोड है ये पसंद आएगा तो जल्दी से अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर मुझे इस गेम को यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो गेम है अभी खत्म नहीं हुआ, हो सकता है गेम और भी ज़्यादा बड़ा हो। अगर आपको मज़ा आया तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी मज़ेदार गेम प्ले वीडियो के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक हमेशा की तरह खुश रहिएगा।